हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थर्ड पार्ट थर्ड यानी सॉरी पार्ट थर्ड नहीं सॉरी गलती हो गई, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थ्री जो है हमारा वो पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने क्या कहा, आज हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। ठीक है जी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आप लोगों ने एक काम बचपन में बहुत बार किया है, और वो क्या है कि आप लोगों ने कोई बॉल ली, और प्यारे बच्चों बॉल को उसने आपने क्या किया, आपने सामने उसे दीवार पे हिट किया। जब दीवार पे हिट करते हो तो वापस आपके पास आता है। या क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट, इस टाइम पे आईपीएल की धूम मची हुई है, ठीक है, दे दनादन चौके छक्के पड़ रहे हैं। तो कैसे आखिरकार कैसे इतने चौके छक्के, राहुल तेवतिया जी एक ओवर में पांच पांच छक्के मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं? तो क्योंकि जब बॉलर उनको बॉल डाल रहा है तो जिस फोर्स में, जिस रूप में, यानी जिस फोर्स में, जितनी ज्यादा फोर्स में बॉलर उनको बॉल डाल रहा है उतनी ही फोर्स के साथ वो जब बैट को कनेक्ट कर रहे हैं तो बॉल बड़ी दूर जाके गिर रही है और छक्के में कन्वर्ट हो रही है, चौके में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जब इधर की तरफ से एक्शन हुआ तो उधर की तरफ से भी क्या हुआ भाई, रिएक्शन हुआ। तो प्यारे बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ न्यूटन यही कहता है कि भाई जब आप एक्शन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो चीज वापस एक रिएक्शन भी करके दिखाती है। यानी जब आप किसी दीवार पे किसी बॉल से हिट करेंगे तो वो बदले में आपको क्या देगा भाई, रिएक्शन भी करके देगा। ठीक है, जैसे दीवार पे बॉल को मारना, ठीक है, जैसे दीवार को बॉल को मारना, आप कभी देखना कील पे हथौड़े को मारोगे, कील पे जब हथौड़े को मारोगे तो आप ऐसा कभी नहीं होता एक बार मारो, आप एक बार मारो उसी पे रह जाए, नहीं, मारोगे ना तो देखना एक बार ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने मारा, हिट किया, और उसका फोर्स जो वापस लगा तो उससे वो थोड़ा सा क्या हटा, पीछे। तो इसी को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी समस्या? ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। जैसे रॉकेट का उड़ना, जैसे गोली का चलाना, ये क्या है, गोली चलाते हैं तो सामने गोली जाती है और भाई हाथ पीछे की तरफ आता है, एक्शन रिएक्शन। क्रिकेट खेलना, कनेक्ट किया, बॉल उधर से आई, कनेक्ट किया, वापस चली गई, तो क्या हुआ भाई, एक्शन रिएक्शन। दीवार पे बॉल को फेंक के मारा, टकरा के वापस आ गई, क्या है भाई, ये एक्शन रिएक्शन। तो इस तरह के जितने भी काम हैं जब आपके एक्शन के बदले रिएक्शन हो तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए इनके एग्जाम्पल लिखिए, इनकी डेफिनेशन लिखें, फिर शुरू करते हैं आगे। चलिए भाई लिखेंगे जरा। लिखिए भाई, लिखिए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश वाले, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एवरी एक्शन हैज, द एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसी वजह से बच्चों इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है बच्चों, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। हिंदी में बोले तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है जी, चलिए लिखेंगे जरा, इसके एग्जांपल देखिए। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे हटना,
बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक का पीछे हटना, इंग्लिश में लिख सकते हो इसको, ठीक है, बंदूक से गोली छोड़ते समय उसका पीछे हटना। दूसरा, नाव के किनारे से जमीन पे कूदते हैं, नाव होती है ना नाव, जैसे भाई ये नाव है, बोट है आपके सामने, ठीक है, ये इसका टापू है जो भी है, किनारा है भाई। अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़े होके इस पे कूद जाए तो आप क्या देखोगे कि ये बंदा तो यहाँ पर कूद गया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, पीछे हट जाएगी। तो लिखेंगे नाव के किनारों, नाव के किनारे से टापू पर कूदना, नाव के किनारे से टापू पे कूदना, बैंक पे कूदना। अगला, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूटने पर, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूटने पर इंसान व्यक्ति के पीछे गिरना, पर्सन का पीछे करना है। अब जैसे हम भाई मान लीजिए ऐसे खींच रहे हैं, क्या भाई कुएं से पानी खींच रहे हैं, अचानक से रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, हम पीछे गिरेंगे, बाल्टी नीचे गिरेगी। अगला, ऊंचाई से कूदने पे चोट लगना। अब भाई कहीं आप ऊंचाई से कूदोगे तो जितना फोर्स आप लगाओगे जमीन भी आप पे उतना फोर्स लगा देगी, ठीक है, तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। अगला, रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक एक नया लॉ आता है जो इनके कुछ नियम को फॉलो करता है, बताता हूं क्या लिखेंगे। हाँ जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। चलिए क्या होता है बच्चों संवेग संरक्षण का नियम, देखिए भाई ये जो नियम है ना, ये आपके थर्ड लॉ को, ये आपके थर्ड लॉ को वेरी करके दिखाता है, उसके ऊपर काम करके दिखाता है। किस तरीके से, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, आखिरकार रॉकेट आगे बढ़ा कैसे, क्योंकि भाई उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग गया, संवेग संरक्षण का नियम लग गया। मानता हूं कि भाई जो रॉकेट है वो एक्शन रिएक्शन की वजह से उड़ता है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है वो संवेग संरक्षण का यूज होता है, लॉ ऑफ मोमेंटम का होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। किस तरीके से, देखिए जब रॉकेट भाई अपना उड़ना शुरू करता है, रॉकेट उड़ना शुरू करता है तो बहुत ही हैवी मात्रा में, भारी मात्रा में धुआं क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा धुआं क्रिएट करता है कि नहीं करता है बताओ, ठीक है, धुआं क्रिएट करता है। और जब वो धुआं क्रिएट करता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे बहुत सारी क्या निकलती है, गैस निकलती है, क्या निकलती है, गैस निकलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में बच्चों ये गैस निकलती है, इतनी ज्यादा मात्रा में गैस निकलती है कि इस पूरे धुएं का जो मास होता है ना बच्चों, द्रव्यमान, वो रॉकेट के द्रव्यमान से ज्यादा हो जाता है। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं कि भाई सीधी सी बात है, जब इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला भी फोर्स ज्यादा निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं किसी चीज को ऐसे फोर्स लगा रहा हूं
तो बदले में नीचे से भी तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो जब ये धुआं इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, यानी इसका किसका मास भाई, स्मोक का, स्मोक का, स्मोक का, स्मोक का मास ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऐसे लिखता हूं इसको, रुको, मास ऑफ स्मोक, स्मोक ज्यादा हो रहा है मास ऑफ रॉकेट, मतलब रॉकेट के मास से ज्यादा हो गया, ठीक है। धुएं का द्रव्यमान ज्यादा हो रहा है किसके, रॉकेट के द्रव्यमान से, किससे भाई, रॉकेट के द्रव्यमान से। तो ध्यान से सुनिए क्या बच्चों, कि जब धुएं का द्रव्यमान रॉकेट के द्रव्यमान से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्या होगा कि ये चीज भारी हो जाएगी, ये चीज हल्की हो जाएगी, ये नीचे की तरफ जैसे ही फोर्स लगाएगा रिएक्शन भी उतना ही होगा, और ये रॉकेट का मास हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर क्या कर जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा। तो ये हमारा थर्ड लॉ तो लगता ही है, क्यों, क्योंकि धुएं ने एक्शन किया, बदले में रिएक्शन हुआ, और ये कहां चला गया, ऊपर उड़ गया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पर इसने भारी करने की वजह से, इसके धुएं को भारी होने की वजह से इसका मास क्या हो गया, हल्का हो गया, जो कि हल्का होने की वजह से वेलोसिटी गेट कर गया, ठीक है। यानी ये भारी होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी इसकी कम हो रही थी, ठीक है, जबकि इसका मास कम होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ये अपने एक्सिस से क्या हो गया, ऊपर उठ गया और उड़ना शुरू कर गया, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से इसमें क्या लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी कंसेप्ट पे एक चीज और लिखवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। चलिए दूसरा कंसेप्ट, ये तो नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, दो बॉल है, ये भी m मास का है, ये भी m मास का है, दोनों का मास सेम है, ठीक है, और इसको भी इधर की तरफ भेजा गया, इसको भी इधर की तरफ भेजा गया, दोनों v वेलोसिटी से गए, किससे गए, दोनों v वेलोसिटी से आगे बढ़े, और बढ़ के आगे टकरा गए, बढ़कर आगे क्या हो गए भाई, ये आगे आके टकरा गए, टकरा गए। तो अब बताओ दोनों में से कौन सी बॉल पीछे जाएगी, या कहीं मुड़ जाएगी, या ऊपर जाएगी, या नीचे जाएगी, या टकरा के वहीं रह जाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। देखो तो इसका आंसर है क्या भाई, टकरा के वहीं रह जाएगी, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, टकराने के बाद वहीं स्थिर हो जाएगी, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि पहली बात मास दोनों का सेम, चलो मास तो अपना सेम है ही, मास के साथ साथ वेलोसिटी भी सेम, जब मास भी सेम वेलोसिटी भी सेम, तो टकरा के पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं हटता, ठीक है। तो टकरा के दो, जैसे ही दोनों टकराएंगे आपस में, तो इनका जो एक एनर्जी क्रिएट होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, जिसकी वजह से टकराने की वजह से ये यहीं रह जाएंगे, मतलब इसका मास दोनों का मास ज्यादा है, सेम वेलोसिटी से टकराएंगे तो वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे, स्टेबल, ठीक है, वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे, स्टेबल। लेकिन जब इसका मास ज्यादा इसका मास कम होगा, तो ठीक है ये टकराएगा तो ये क्या होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो आगे निकल जाएगा, और जिसका मास कम होगा वो टकरा के पीछे हट सकता है। एक भारी लड़का भाग रहा है, एक हल्का लड़का भाग रहा है, दोनों आके टकराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पीछे दोनों होंगे, लेकिन जो हल्का वाला होगा वो थोड़ा ज्यादा पीछे होगा, भारी वाला थोड़ा कम पीछे होगा। लेकिन जब दोनों का मास ही सेम है, तो टकरा के क्या होगा, वहीं पे ही वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये फिजिक्स का कौन सा नियम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं।
चलिए भाई बच्चों आगे लिखते हैं। आगे देखो फ्रिक्शन फोर्स टॉपिक लिख लो नया, ये हो गया खत्म। ठीक है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ठीक है जी। बच्चों लिखो जरा इसको लिखो, संपर्क में रखी दो वस्तु के मध्य एक प्रकार का बल, संपर्क में रखी दो वस्तु के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। वस्तु का क्या करता है भाई? विरोध करता है। उसे घर्षण बल कहते हैं, उसे घर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे लिखो, when two object are connected then they feels a type of force, then they feel a type of force which obstruct their speed, this is called frictional force। ठीक है तो लिखिए, तीन तरह के होते हैं भाई फ्रिक्शनल फोर्स, तो लिखेंगे जरा। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं, there are three types ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। पहला स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिखो, if we are applied force of an object and it does not move, then there is a static force of friction। इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे बच्चों, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए, और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके
ऐसे दोनों सतहों के मध्य, तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखो हिंदी में, स्पर्शी घर्षण बल, स्पर्शी घर्षण बल, स्पर्शी घर्षण बल। लिखो भाई, जब जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है, सर्पी घर्षण बल कहलाता है। इंग्लिश वाले, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is sliding on the surface, then the force between them then the force between them is sliding force of friction। थर्ड लिखेंगे लोटनिक घर्षण बल, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण बल, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिखो हिंदी वाले, लिखो पहले, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो दोनों के बीच लगने वाले बल को, तो दोनों के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश वाले, when an object is rolling on other surface, then the friction force between them is rolling force of friction। ठीक है, चलिए लिखेंगे importance of friction force, घर्षण बल की विशेषताएं, importance of friction force, घर्षण बल की विशेषताएं। चलिए लिखेंगे, जरा लिखो, दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। इंग्लिश वाले,
द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस does not depend on area of surface, does not depend on area of surface. It depends only on the nature of surface. It depends only in the nature of surface. Second, Hindi wale, Lotni Gharsan Bal ka maan sabse kam, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है. लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, सॉरी. इंग्लिश वाली, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स हैज वेरी लो मैग्नीट्यूड, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स हैज वेरी लो मैग्नीट्यूड एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हैज हाइएस्ट मैग्नीट्यूड, हैज हाइएस्ट मैग्नीट्यूड. लिखो, बॉल बेरिंग एंड लुब्रिकेट आर यूज्ड, बॉल बेरिंग्स एंड लुब्रिकेट आर यूज्ड इन मशीन्स आर यूज्ड इन मशीन्स फॉर गेटिंग लेस फ्रिक्शन फोर्स, फॉर गेटिंग लेस फ्रिक्शनल फोर्स एंड कन्वर्टेड इंटू स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड कन्वर्टेड इंटू स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हिंदी वाले लिखो, मशीनों में घर्षण बल को कम करने के लिए, मशीनों में घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक या बॉल बेयरिंग लगाया जाता है, स्नेहक या बॉल बेयरिंग लगाया जाता है ताकि बल को स्पर्शी घर्षण बल में बदला जा सके, ताकि बल को स्पर्शी घर्षण बल में बदला जा सके. सॉरी, बल को स्पर्शी से लोटनिक घर्षण बल में बदला जा सके. सही करना बच्चों इसको, स्पर्शी से लोटनिक घर्षण बल में बदला जा सके, स्पर्शी को लोटनिक घर्षण बल में बदला जा सके. इंग्लिश वाले भी सही करेंगे, ठीक है. कन्वर्ट स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. लिखो, घर्षण बल सबसे अधिक ठोस में लगता है, घर्षण बल सबसे अधिक ठोस में लगता है, उससे कम द्रव में लगता है, उससे कम द्रव में लगता है, जबकि सबसे कम जिसमें जबकि सबसे कम वायु ठोस में लगता है, जबकि सबसे कम वायु ठोस में लगता है. इंग्लिश वाले, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन सॉलिड बॉडी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड इन सॉलिड बॉडी एंड लेस इन लिक्विड बॉडी एंड वेरी लेस इन एयर सॉलिड बॉडी and very less in air solid body.
ठीक है जी। अब इसके फायदे लिख लो, फायदे, और इसके फायदे लिख लो। अब लिखो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के फायदे। पहला, इसकी वजह से इंसान खड़े रह सकते हैं। पहला, इसकी वजह से इंसान खड़े रह सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेना। दूसरा, सड़कों पर गाड़ियां और हम इसी बल के कारण चल पाते हैं। सड़कों पर गाड़ियां और हम इसी बल के कारण चल पाते हैं। अब लिखेंगे मशीनों में घूमने वाले पट्टे, मशीनों में घूमने वाले पट्टे में कम घर्षण बल होता है, इसलिए वह घूम सकता है। मशीनों में पट्टे कम घर्षण बल के कारण ही घूम सकता है, कम फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही घूम सकता है। अब लिखो नुकसान, नुकसान, इसके डिसएडवांटेजेस लिखो। मशीनों में फ्रिक्शन के कारण ही उसके पार्ट पुर्जे खराब हो जाते हैं। मशीनों में फ्रिक्शन की वजह से ही उसके स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगले में लिखेंगे फ्रिक्शन के कारण ही, फ्रिक्शन के कारण ही, फ्रिक्शन के कारण ही मशीनों से हीट निकलती है, मशीनों से, गाड़ियों से हीट निकलती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। दो टॉपिक पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सेंट्रिपिटल, सेंट्रिफ्यूगल और लीवर, यहां तक का टॉपिक खत्म करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।